दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को दुनिया का नंबर वन गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, भारत और आयरलैंड के बीच पहला T20 मैच 18 अगस्त को खेला गया था। बारिश से प्रभावित इस मैच में भारत ने डकवर्थ लुईस यानी कि DLS नियम के अनुसार 2 रन से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 139 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट खोकर 47 रन बनाए थे। इसी बीच बारिश के कारण मैच को रोकना पड़ा था। बारिश न रुकने की वजह से DLS नियम के अनुसार भारत को 2 रन से जीत हासिल हुई थी। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले में इंडिया टीम का प्रदर्शन बेहद ढांसू रहा। कमबैक मुकाबले में जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने जमकर गहर बरसाया, तो वहीं रवि बिश्नोई की फिरकी भी भारतीय टीम को बेहद काम आई। सीरीज का दूसरा मैच रविवार यानी 20 अगस्त को खेला जाना है। डबलिन में होने वाले दूसरे T20 में भारतीय गेंदबाज एक बार फिर अपना दमखम दिखाने चाहेंगे। वहीं यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह जैसे युवा बल्लेबाजों के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। आइए आपको बताते हैं उन 5 भारतीय प्लेयर्स का नाम जो दूसरे T20 में अपने प्रदर्शन का महफिल लूट सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा में से कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर हमें बताइएगा। दोस्तों, पहले नंबर पर जसप्रीत बुमराह है, जो पहले T20 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से आयरलैंड के बल्लेबाजों का जीना हराम करने वाले जसप्रीत बुमराह अपनी लय को दूसरे मैच में भी कायम रखना चाहेंगे। बुमराह ने पहले T20 में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 24 रन देकर 2 विकेट झटके थे। वहीं दूसरे नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा है, जो बुमराह के साथ साथ लंबे समय बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटे प्रसिद्ध कृष्णा भी आयरिश बल्लेबाजों के लिए काल साबित हुए थे। प्रसिद्ध ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। ऐसे में कृष्णा की गेंदबाजी पर भी दूसरे T20 मुकाबले में भी सबकी निगाहें रहने वाली है। तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा है, जो पहले T20 मुकाबले में भले ही तिलक वर्मा गोल्डन डक पर पवेलियन लौटे थे, लेकिन दूसरे मैच में इस युवा बल्लेबाज पर काफी उम्मीदें होगी। वेस्ट इंडीज की धरती पर धमाल मचाने वाले तिलक वर्मा आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए डबलिन में सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और चौथे नंबर पर यशस्वी जायसवाल है, जो बारिश से प्रभावित मुकाबले में यशस्वी जायसवाल अच्छी शुरुआत करने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे थे। पहले T20 में यशस्वी ने 23 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाए थे। ऐसे में यशस्वी सीरीज के दूसरे मैच में बल्ले से धमाल मचाने को बेकरार भी होंगे। यशस्वी अगर अपने स्टाइल में पारी का आगाज करने में सफल रहे तो फिर उनके बल्ले पर लगाम लगाना आसान नहीं होगा। और पांचवें नंबर पर रवि बिश्नोई है, जो पहले T20 में रवि बिश्नोई का जादू सिर चढ़कर बोला था। बिश्नोई आयरलैंड के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक बल्ले साबित हुए थे। अपने 4 ओवर के स्पेल में स्पिन गेंदबाज ने महज 32 रन खर्च करते हुए 2 बड़े विकेट अपने नाम किए थे। यही वजह है कि दूसरे T20 में भी बिश्नोई के प्रदर्शन पर हर किसी की निगाहें रहने वाली है। अब दोस्तों, आज होने वाले मैच के पिच रिपोर्ट जानते हैं। आयरलैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला भी द विलेज स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो ये पिच बल्लेबाजों के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हुए अब तक के मुकाबलों में देखे तो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ज्यादातर मैच जीतते हुए आई है। दूसरे मुकाबले में भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दूसरे मुकाबले में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बल्लेबाजों की यहाँ पर मौज रहने वाली है। अगर टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है तो बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये रहा आज के होने वाले मैच के पिच रिपोर्ट। मैच वही भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे शुरू होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।